हाय फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एलिप्स के बारे में बताऊंगा। एलिप्स किस तरह बनाए जाते हैं, किस मेथड से बनाए जाते हैं, आपको इतनी आसान तरीका बताऊंगा कि एलिप्स आप कोई भी एलिप्स आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी एलिप्स। क्योंकि एलिप्स बनाने के लिए मतलब आप अगर एलिप्स नहीं जानते हैं कैसे बनाना है, मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। मान लीजिए एग्जाम में आ गया हेक्सागोनल बना ले प्लस या इलिप्स आ गया बनाने के लिए। इलिप्स में दूरी दी होती है, यानी उसका माप दिया होता है कि इतने बाय इतने में आपको इलिप्स बनाने हैं। तो इलिप्स बनाने के लिए हमें सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, जो कि आप जानते होंगे सेट स्क्वायर होता क्या है, और कंपास की जरूरत होती है, स्केल की वजह इस सब आप टेम्पररी आप जानते होंगे। ये तो आम चीज़ है कि इसका प्रयोग करते हैं ड्राइंग में। इसीलिए हम इलिप्स को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह नहीं बनाया जाता है, हम आपको ये मेथड स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। अब एग्जाम में क्या पता एग्जामिनर दोनों पूछ दे इलिप्स प्लस हेप्टागोनल एक्टागोनल पेंटागोनल, कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि एग्जाम भाई हमारा तो है नहीं घर का कि हमको बता के ही पूछेगा कि हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं। इसीलिए सब सीखना जरूरी है, सब सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं कि एलिप्स कैसे बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आज एलिप्स के बारे में बताएंगे कि एलिप्स कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा एलिप्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं, ये सेट स्क्वायर है और एक साधारण स्केल है। इन दोनों की मदद से हम एलिप्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं, एक लाइन खींच ली, फिर एक नीचे पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। खींचने के बाद हम स्केल लेते हैं, स्केल से इस लाइन पर रखते हैं। रखने के बाद 30 डिग्री इधर एंगल बनाएंगे। बनाने के बाद इसके स्क्वायर को हटा देंगे। हटाने के बाद हम कंपास का प्रयोग करेंगे, या आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग कंपास होगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कंपास प्रयोग करें। ठीक है, इसको हम अधिकतर 5 mm और इसकी साइज दी होती है एग्ज़ाम में, क्योंकि उसके साइज के अंतर्गत लंबाई चौड़ाई दी होती है एग्ज़ाम में, उसके अंतर्गत बनाने होते हैं। जैसे कि हम 5 सेंटीमीटर देखते हैं, 5 सेंटीमीटर साइज का लेके देखते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए, फिर इस बिंदु से एक चाप खींचेंगे, फिर यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। चाप खींचने के बाद फिर हम यहाँ से एक चाप खींचेंगे, फिर हम एक चाप खींचेंगे। चाप खींचने के बाद हम दोनों को हम मिला देंगे स्केल के द्वारा। इस वाले बिंदु से हम इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को मिला देंगे।
देखिए ये भी 5 है, ये भी 5, 5 बाई 5 का मैं बना रहा हूँ जिससे आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, नाम रख देते हैं हर बिंदु को ए बी सी डी, नाम रख दिए। इसके बाद हम ए बी को हाफ करेंगे और डी ए को हाफ करेंगे, मतलब चारों भुजाओं को हम हाफ हाफ सेक्शन बांट देंगे। तो इसके लिए हम स्केल से भी मदद से हाफ ले सकते हैं, यानी 5 है यानी इसका हम 2.5 लेंगे। ये 2.5 ले ली, 2.5 लेने के बाद कंपास के द्वारा हम माप लेंगे क्योंकि जल्दी होगा। इस बिंदु से ये खींचेंगे, चारों बिंदु को हम मिला देंगे, यानी हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, देखेंगे तभी सीखेंगे। ये देखिए ये हो गया और ये हो गया, फिर इसी तरह इस पॉइंट को हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए इस पॉइंट से इसमें मिला दिए और इसी पॉइंट को हम इसमें मिला दिए। इसमें मिलाने के बाद हम इसे हटा देते हैं, वो पॉइंट से अलग हो गया, कोई बात नहीं। इसी तरह को फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम ये लेंगे और एक चाप खींचेंगे, फिर हम इस वाले पॉइंट से लेंगे एक चाप खींचेंगे। चाप खींचने के बाद फिर हम इस पॉइंट से लेंगे, इस वाले पॉइंट से फिर यहाँ पे एक हम चाप लेंगे, फिर इसी पॉइंट पे हम एक यहाँ से बिंदु पे रखेंगे, चाप लेंगे इसे खींच देंगे। ये हमारा एलिप्स तैयार हो गया। ये देखिए एलिप्स हमारा, ये हमारा डार्क होना चाहिए, ये चीज़ से हमें डार्क होना चाहिए और ये हल्की हल्की दिखनी चाहिए। और सारों का नाम हम जो भी नाम रखना चाहते हैं उसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो भी नाम रखना चाहते हैं नाम डाल सकते हैं। ये हमारा एलिप्स बनकर तैयार हो गया। देखिए इस बहुत ईजी है, तैयार होने के बाद हम 5 mm में लिख देंगे एलिप्स। 5 mm एलिप्स लिखने के बाद हम इसे मिटा देंगे। ये एंगल 30 डिग्री पर होता है और ये भी एंगल 30 डिग्री पर होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह और भी एलिप्स और कई तरह कई प्रकार के ड्राइंग आपको बताते रहेंगे।